सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रभु शरणागत। ये वीडियो सभी धर्म पंथ के लोगों के लिए अति अति महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुने। यदि आपके हृदय में उतर गई तो परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष मुक्ति जैसी दुर्लभ कृपाएं तथा अनंत भगवत कृपाएं सहज और सुलभ ही मिल जाएगी, और साथ ही सत्य अर्थात ईश्वर का बोध होने से पंथ मतों का भेद भी मिट जाएगा। दोस्तों, सरलता सबसे अधिक कठिन है। सरल स्वभाव अर्थात अपने मन बुद्धि और ज्ञान की श्रेष्ठता का भाव अर्थात अहंकार का पूर्णतया त्याग। निश्चल प्रेम की वेदना बड़ी मीठी और सुहानी होती है, वो चाहे प्रेमी अथवा प्रेमिका के प्रति हो या फिर अपने आराध्य के प्रति। बात उन दिनों की है जब मैं अध्यात्म से अनभिज्ञ था, बिल्कुल अनजान था। भक्ति और पूजा पाठ के विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लगभग 19 वर्ष की अवस्था रही होगी। अपने प्रेम को विवाह के रूप में साकार करने की चाहत में गली के ही मंदिर पहुंच गया। सोचा, यदि ईश्वर सत्य है तो आज मैं जीवन में पहली बार परमात्मा से मांगने जा रहा हूँ, अतः मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदिर पहुंचते ही इस शका ने घेर लिया कि ईश्वर सत्य है या अल्लाह, आखिर सबका मालिक तो एक ही है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का पालन पोषण करता है। इस शकालु विचार के बाद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर मैंने अपनी प्रार्थना आरंभ कर दी कि हे जगदीश्वर, मैं नहीं जानता कि आप अल्लाह है या ईश्वर। यदि आप अल्लाह है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कोई विधि अथवा मंत्र तो जानता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ वही अर्पण कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह। और यदि आप भगवान हैं तो आपके लिए भी बस इतना ही जानता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव गुरुश्च स्था त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे जगदीश्वर, आप अल्लाह है या भगवान मैं नहीं जानता, मेरे माता पिता तो है नहीं, इसलिए आज से आप ही मेरे माता पिता है। दोस्तों, हृदय का भाव अत्यंत सरल और सच्चा होने के कारण परमात्मा से माता पिता का नाता जोड़ते ही अगले पल से ही माता जी पिता जी कहकर ही संबोधित करना आरम्भ कर दिया। तभी अचानक माता जी के द्वारा बचपन में कराया गया एक प्रार्थना याद आ गया। उसी प्रार्थना के साथ ही प्रार्थना क्रम आगे बढ़ा। हे मेरे माता श्री, हे मेरे पिता श्री, अब मैं इस जीवन नैया की पतवार आपके हाथों में सौंपता हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारे दोस्तों, मेरी के बाद जुबान अटक जा रही थी, शर्म के कारण शादी शब्द मुख से निकाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं सचमुच में अपने माता पिता से अपने ही विवाह की बात करने जा रहा हूँ। एक बार पुनः प्रयास किया, परंतु फिर वही शर्म, क्योंकि मुझे यही आभास हो रहा था जैसे मैं सचमुच अपने माता पिता से अपने विवाह की बात करने जा रहा हूँ, और वो मेरे हृदय की प्रत्येक बात सुन रहे हैं। कुछ पलों के लिए शांत वो सोचने लगा, कैसे मांगूं। तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझसे यह प्रश्न किया कि शिव प्रसाद, कल तक तुम जिस विषय वस्तु को श्रेष्ठ मानते थे, आज तुम्हारी उम्र, तुम्हारा ज्ञान और अनुभव उसी विषय वस्तु को तुच्छ मान दूसरे विषयों को श्रेष्ठ मानने लगा है। ठीक उसी प्रकार ऐसा ना हो कि आज अपने जीवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान से मांगने आए हो, कल तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ने के साथ ही तुम्हें पछतावा ना हो कि मैंने भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा, इससे अच्छा ये मांग लिया होता। और यदि परमात्मा की कृपा से तुम्हारी शादी संगीता से हो भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अपने प्रेम संगीता को सुखी रख सको। यदि सुखी ना रख सके तो तुम्हारे प्रेम का क्या मोल। हृदय में ये विचार आते ही मैंने विवाह का विचार त्याग दिया, क्योंकि उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब क्योंकि संगीता के अलावा किसी और से विवाह ना करने का संकल्प पहले ही ले चुका था, इस कारण अब मुझे अपना जीवन उद्देश्य रहित निरर्थक दिखने लगा। तो सोचा, क्यों ना भगवान से इस जीवन को दूसरों की सेवा में लगाने का वर मांग लूं। मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय तक मैं यही समझता था कि तन मन धन से ही दूसरों की सेवा की जाती है। तभी मेरी अंतरात्मा ने फिर तर्क दिया कि हो सकता है परमात्मा की दृष्टि में जीवन के लिए इससे भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ सेवा मार्ग हो।
इन विचारों के साथ ही प्रार्थना का क्रम आगे बढ़ा। हे पिताश्री, आप मेरे माता पिता तो है ही, आज से मेरे गुरु भी आप ही हैं। मैं महात्मा गांधी व अन्य की भांति महान तो नहीं बनना चाहता हूँ, परंतु इतना चाहता हूँ कि मैं जीवन के उस मार्ग पर चलूं वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग हो। हो सकता है मैं उस मार्ग पर चलते हुए विचलित होने लगूं, इसलिए उस पर चलाना भी आपका ही काम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस समय तो मैं अपनी इस हृदयगत प्रार्थना को साधारण ही मान रहा था, परंतु परमात्मा की कृपा से बाद में जो अनमोल ज्ञान मिला, उससे भी ये पता चला कि यह तो भागवत गीता का वो सबसे अनमोल और दुर्लभ वचन है जो किसी परम सौभाग्यशाली के हृदय में उतर पाती है। प्रभु जी का वो दुर्लभ वचन यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्यै मान्वन्तं शरणं व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि माशुचा, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि सभी धर्मों और उसके भेदों को भूल जाओ, सभी पूजा पाठ योग साधना सब कुछ भुलाकर एक परमात्मा की शरणागत हो जाओ। बस इतने में ही मैं तुम्हें शांति मुक्ति भक्ति और आनंद तथा अन्य कृपाएं प्रदान कर दूंगा। परमात्मा की शरणागति ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई नन्हा बालक किसी भय से व्याकुल होकर भागते हुए अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है। प्यारे दोस्तों, समर्पण कोई साधना पूजा पाठ अथवा मंत्र जाप नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पण करने का केवल हृदयगत भाव होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। आप सभी भाई बहन भी एक बार स्वयं को परमात्मा के प्रति अर्पण करके तो देखिए। मेरा दावा है कि एक दिन आप लोग स्वयं भी भाव विभोर होकर अन्य भाई बहनों की तरह यही कहेंगे कि भैया जी, इससे पहले आपने क्यों नहीं बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, समर्पण और जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना के बाद प्रभु जी ने एक महान गुरु की भांति हमारे अपने ही मन के भीतर निवास करने वाली भवसागर रूपी माया का दर्शन कराया, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। प्रभु जी ने इन भावनाओं का दर्शन कराकर मानवीय विवशताओं का पूर्ण आभास भी कराया कि किस प्रकार मानव मन की इन भावनाओं के अधीन होकर अच्छे बुरे कर्म करने को विवश हो जाता है। इन्हीं भावनाओं की अधीनता में मनुष्य ना तो शांति प्राप्त कर पाता है और ना मुक्ति, बल्कि जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। तत्पश्चात प्रभु जी ने एक लीला के माध्यम से मेरे मन का संपूर्ण स्वार्थ और अहंकार तोड़ते हुए जीवन को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगाने का संकल्प लेने के लिए विवश भी किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज यदि मैं जिंदा हूँ तो केवल उसी जनसेवार्थ संकल्प के कारण ही। दोस्तों, अभी तक मैं यही समझता रहा कि दूसरों की सेवा तन मन धन से ही की जा सकती है। इसी कारण मैंने उस रिश्ते को भी ठुकरा दिया था जिस रिश्ते की मांग करने के लिए मैं पहली बार मंदिर गया था। परंतु लीलाधर की लीला को कौन जान सकता है, मैं तो स्वयं उनके हाथों की कठपुतली था। जैसा चाहते थे वैसा सोचता था, जैसा चाहते थे वैसा करता था, और तो और जैसा प्रभु जी चाहते थे अन्य लोग भी मेरे साथ वैसा ही आचरण करते थे। उनकी लीलाओं को तो हम तभी जान सकते हैं जब वो जना दे। फिर एक लीला के माध्यम से वैराग्य भी हुआ। उसी वैराग्य अवस्था में संगीता से ही मेरा विवाह भी हुआ। हालांकि विवाह से पूर्व मैं प्रभु जी से बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि पिताजी, मुझे संगीता से बचा लीजिए, बाकी सबको मैं देख लूंगा, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे विवाह बंधन में बांध सके। वैसे भी वैराग्य के बाद मैं अपने स्वयं के जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं को प्रभु लीला मानकर एक दर्शक की भांति ही देखने लगा था। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि परमात्मा ने मुझे वो अनमोल कृपाएं सहज और स्वाभाविक रूप से प्रदान कर दिया जो जन्म जन्मांतर के कठिनतम साधनाओं से भी अति दुर्लभ है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवत कृपा से मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर परमात्मा की अनन्य कृपाओं का मूल कारण निश्चल भाव से किया गया एक समर्पण और जन कल्याण की भावना है। उसी समर्पण को बचपन में मेरी माता जी ने किसी महात्मा की सत्संग की प्रेरणा से भी कराया था। तब मैं लगभग 12 साल का था। नहाते समय अचानक मेरी माता जी ने मुझे आदेश दिया कि बेटा, एक लोटा जल लेकर किसी भी शुद्ध स्थान पर गिराते हुए भगवान से यह प्रार्थना करना कि हे भगवान, अब इस जीवन नया की पतवार आपको सौंप रहा हूँ।
इसे अब आप ही संभालिए। माँ का आदेश था सो मैंने वैसा ही किया था। बचपन के उस समर्पण का विश्लेषण किया तो मैंने यह पाया कि जल अर्पण करने के साथ समर्पण की प्रार्थना करने से यदि समर्पण में आवश्यक निश्चल भाव नहीं होते हैं तो भी वह पूरी हो जाती है, क्योंकि जल के साथ हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं। और प्रभु जी के द्वारा मेरे जीवन में की गई लीलाओं का विश्लेषण किया तो यही पाया कि तन मन धन से की गई सेवा किसी मनुष्य के लिए तो कुछ काल तक के लिए ही सार्थक होते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति को शरणागति भावना से भावित कर दिया जाए तो परमात्मा की कृपा से शांति प्रेम और आनंद तो मिलता ही है, साथ ही जन्म जन्मांतर की भटकन भी समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम बात करते हैं समर्पण के बेनिफिट का, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि समर्पण लाभ हानि की भावना से नहीं किया जाता है, बल्कि इस संसार की रचना करने वाले परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ दाता और सर्वोत्तम सहारा मानकर ही समर्पण किया जाता है। शरणागति के फायदे। नंबर एक, जीवन में असंभव दिखने वाली मन की शांति प्रेम और आनंद की सहज प्राप्ति का होना। नंबर दो, चरित्र और आबरू की रक्षा सुरक्षा। नंबर तीन, संसार का सबसे उत्तम सहारा मिलना। नंबर चार, जगत व्यापी माया से सुरक्षा। नंबर पांच, अनहोनी से सुरक्षा। नंबर छह, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना। नंबर सात, मोक्ष अर्थात जन्म जन्मांतर की भटकन से मुक्ति का मार्ग सहज और स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होना। नंबर आठ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक लाभ भी होना। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, समर्पण के लाभ तो अनंत है, परंतु जो सबसे बहुमूल्य धन हमें मिलता है वह है जीवन में शांति भक्ति अर्थात प्रेम और आनंद का। और वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें या ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु समर्पण की प्रार्थना एक बार जल के साथ निश्चल और निष्पक्ष भाव से जरूर करें, जैसा कि मेरी माता जी ने बचपन में मुझसे कराया था, क्योंकि मेरा प्रथम धर्म कर्तव्य आपकी सेवा है। परमात्मा का आश्रय अपनाइए और जीवन का आनंद उठाइए। यदि आप भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं उस जाप से पीछा छुड़ा सकूंगा जो मेरे इस सेवा धर्म में सबसे बड़ी बाधक है। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। जय जय श्री राधे कृष्ण।